डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथ को पढ़ना शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जैसा जानते हैं कि सब्जेक्ट मैथ में एक चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हम लोगों ने एनसीईआरटी को बुक को फॉलो करते हुए एक्सरसाइज 7.2, ठीक है, 7.2 एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन में हम लोग पढ़ रहे थे। और उस एक्सरसाइज में के क्वेश्चन में हम लोगों ने पहला और दूसरे क्वेश्चन तक के कर लिया था। अब आइए हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, क्या क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, पढ़िएगा सवाल ध्यान से। शीर्षों 0-1, ठीक है, जैसा कि जानते हैं आप त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, तो शीर्षों 0-1, 2-1 और 0-3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से जो त्रिभुज बन रहा है, उस त्रिभुज का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है और उनका अनुपात निकालना है। तो आप चीजों को ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है, ज्यादा हार्ड है नहीं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन देख लेते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अच्छा सॉरी, तीसरा क्वेश्चन है, देखिए एक त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें एक त्रिभुज दिया है, ठीक है, और त्रिभुज के हम लोग जानते हैं ना कि 3 शीर्ष होते हैं, 3 कोण होते हैं। तो तीनों कोण में से पहला जो शीर्ष है दोस्तों, वो दे दिया है 0-1, 0-1। ये चल नहीं रहा है, जरा थोड़ा डाले हुए ना इंक, थोड़ा सा खत्म हो गया बहुत ज्यादा। हाँ तो अब चल रहा है, ठीक है। तो ये है, हम लोग फिर से दोहरा देते हैं, 0-1, साफ साफ दिख सके आपको, ठीक है। फिर दूसरा जो कोण है उसका नाम है 2-1, ठीक है, और फिर तीसरा है दोस्तों 0-3, ठीक है। जैसा कि जानते हैं आप, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं और तीनों ही शीर्षों का हमें निर्देशांक दिया हुआ है। एक का दिया है 0-1, एक का दिया है 2-1 और एक का दिया है दोस्तों 0-3, ठीक है, वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब समझो क्या बात बोल रहा है। आप मैथमेटिक्स को ना जरा उसकी लैंग्वेज को समझिए। ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स जो है ना हार्ड है और आप उसको नहीं समझ पाते, बहुत इजी है। और टेंथ क्लास का अगर अपने आप एनसीईआरटी के बुक के हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया दोस्तों, तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। टेंथ क्लास का जो रिजल्ट छोड़ दो, उसमें ऐसा नहीं है। हमने भी अपना खुद बता रहे हैं, बड़ाई जो होता है ना वो कर नहीं रहे, लेकिन बताना एक लाजमी है ताकि इसका इफेक्ट आपको पड़ेगा। हमने भी केवल और केवल इसी एनसीईआरटी के बुक से पढ़ा है, हिंदी मीडियम से पढ़ा है। भले आगे 11th 12th मेरी इंग्लिश हो गई थी, और बाहर जाकर पढ़े थे ना, तो वहां पे हिंदी नहीं चलती है, वहां पे इंग्लिश हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब कि हम भी इसी बुक से पढ़े थे और हमने स्कोर किया 92 स्कोर इन मैथमेटिक्स में, बता रहे 10th क्लास में, ठीक है। तो कहने का मतलब है ना कि आप एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को चाट जाओ। देखो पढ़ाई से दोस्ती कर लो यार, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ये जो चीज पढ़ा रहे ना आप, हो सकता है इस फार्मूले को भूल जाओ, तो हम लोग इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए भी आपको ट्रिक दिया है ना, तो आप उसको प्रैक्टिस करते रहो। द्विघात समीकरण पढ़ लिया, उसके आगे का एपी पढ़ लिया, तो सब प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही किसी भी व्यक्तित्व को परफेक्ट बनाता है, इसलिए आप हमेशा प्रैक्टिस करो। और अपने आप का अगर अपने अंदर की अगर मेहनत रहेगा ना, वही होता है। ऐसा नहीं आप कहीं भी चीजों को पढ़ लो, कहीं भी ब्रिलियंट सुपर से सुपर इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करोगे कुछ रिजल्ट नहीं आने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आप पे डिपेंड करता है, आप जितना अच्छा से मेहनत करो। और मैथ्स में तो खासकर यार, मैथ्स में मजा आना चाहिए बनाने में, कि हाँ चलो भाई कैलकुलेशन, कुछ फार्मूला ही नहीं। अब मान लिया कि इतना बड़ा बड़ा फार्मूला दे दिया सर, आप तो बोल रहे होंगे कि सर इतना बड़ा
फार्मूला दे दिया त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, याद ही नहीं होता है कहां x1 y2 y माइनस 3 कैसे कैसे हो जा रहा है। भाई चीजों को एक बार समझ लो ना, एक बार अच्छे से समझ लो, एकदम स्लो मोशन में समझो, एक दिन में तुम एक क्वेश्चन ही बनाओ लेकिन सही बनाओ, ऐसा तुम्हारा मोटिव होना चाहिए। ठीक है, चलो मेहनत करते रहो, ये हमारी दुआ है, आप जरूर सफल होंगे। और फिर हम लोग आगे पढ़ते, इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि त्रिभुज का तीन बिंदु है। अब देखो मैथमेटिक्स में तुम अपने से नाम भी दे सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है यहां पे, और तुम एबीसी नहीं दे सकते हो, पी क्यू आर दे दो, मैथमेटिक्स में कुछ भी करो, लेकिन हम लोगों को तो मेन काम जीरो माइनस एक दो एक और जीरो तीन है ना, इसको तो कभी चेंज नहीं करना भाई, है ना। तो त्रिभुज की यहां पे तीन बिंदुएं दी गई है। सवाल में बोला कि त्रिभुज का भुजा कौन होता है, तो एक ए बी भुजा है, एक बी सी भुजा है, एक ए सी भुजा है ना भाई, यानी कि त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं। और सवाल में बोला कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मध्य बिंदु, ध्यान से सुनो भाई, तीनों भुजा का मध्य बिंदु, तो तीनों भुजा का मध्य बिंदु कहां होगा जरा सोचो, ए बी एक भुजा है, इसका मध्य बिंदु का मने बीचों बीच बताए थे ना, उसी तरीके से बीसी भुजा का भी तो मध्य बिंदु होगा बीचों बीच, एसी भुजा का भी तो मध्य बिंदु होगा बीचों बीच, समझ पा रहे। यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं दोस्तों कि त्रिभुज के तीनों जो भुजाएं हैं इन भुजाओं का मध्य बिंदु के बारे में बोल रहा था, तो मध्य बिंदु हम टिक आउट कर दिए। मध्य का मतलब आपको अपने से अपने हिसाब से इसको यहां पे ऐसा टिक करना है कि दिखे कि बीच में है, मध्य बिंदु हो रहा है, हमने यहां पे मध्य बिंदु को ड्रॉ कर दिया। अब तुम अच्छा लगने के लिए इसका नाम दे दो भाई, हमने एबीसी लिख दिया तो इसको पी क्यू आर लिख दो, पी क्यू आर। ठीक है, अब सवाल क्या बोला ना, ध्यान से समझो, सवाल क्या बोला कि एक त्रिभुज था जिसका तीनों बिंदु दिया हुआ था, हमने तीनों बिंदु को लिख दिया है, अब इस तीनों भुजाओं का जो मध्य बिंदु बन रहा है, तो तीनों भुजाओं का मध्य बिंदु पी बन रहा है, एक वो भुजा का मध्य बिंदु क्यू नाम दे दिए हैं, एक भुजा का मध्य बिंदु बीच में बिंदु आर दे दिया है। फिर सवाल बोल रहा है ना कि यही मध्य बिंदुओं को मिलाने से एक त्रिभुज बन रहा है, और बिल्कुल बन रहा है, आप देख लो भाई, देख लो यहां पे बन रहा है ना, यानी कि ये वाला जो बन रहा है, ये बन रहा है, इसको हम बोलेंगे कि मध्य बिंदु से बनने वाला त्रिभुज है, क्या बोल सकते हैं ना, क्योंकि जो एबीसी है तो एबीसी भुजाओं का मध्य बिंदु से बनने वाला त्रिभुज का नाम क्या होगा, पी क्यू आर, एक उसके अंदर त्रिभुज बन रहा है। अब बताओ भाई, सवाल बोल रहा है ना हमें, सवाल क्या बोल रहा है, अब समझो, बोल रहा है कि मध्य बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, यानी कि मध्य बिंदु से बनने वाला त्रिभुज कौन बन रहा है, पी क्यू आर। तो हमें यहां पर आप यहां लिख दो, यहां त्रिभुज ए बी सी के मध्य बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज, मध्य बिंदु से बनने वाला त्रिभुज, त्रिभुज पी क्यू आर है। ठीक है, पी क्यू आर। अब सवाल क्या बोल रहा हमें कि आपको त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालना है, समझ जाओ ध्यान से, एक बार क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लो कि हमें क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या निकालना है। अब ये चीज अगर आप लिख लेते हैं ना, आप 60% आप सक्सेस कर लेते हैं, उसके बाद तो फिर हमें दिमाग लगाना होता है कि भाई क्या करेंगे कि उस मुकाम तक हम लोग पहुंच सकते हैं। तो यहां पे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, क्योंकि सवाल बोल रहा था कि मध्य बिंदु से बनने वाला, तो मध्य बिंदु से बनने वाला वही ना पी क्यू आर है। अच्छा, फिर क्या बोला, मध्य बिंदु से बना, इस क्षेत्रफल का दिया हुआ त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करना, और दूसरा भाग भाई अनुपात भी निकालना है, किसका किसका अनुपात, किसका किसका अनुपात, तो जो मध्य बिंदु से बन रहा है ना त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, अनुपात त्रिभुज
एबीसी का क्षेत्रफल देख लो, यानी कि आपको इसमें दो क्वेश्चन बोल रहा है, एक पीक्यूआर का क्षेत्रफल निकाल दो भाई, बहुत बढ़िया, ये तो सवाल बोल रहा है साफ साफ। फिर बोल रहे ना कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि जो मध्य बिंदु से बन रहा है उसका, और बड़ा वाला त्रिभुज यानी कि एबीसी के क्षेत्रफल के साथ आप अनुपात ज्ञात करो। तो अब तो समझ में आ गया सब फंडा क्या है भाई। तो अगर त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो मेरा एक आंसर हो जाएगा, और इस अनुपात वाला में भी हमें यूज हो जाएगा, लेकिन फिर हमें त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना होगा, राइट। सबसे पहले क्या काम करेंगे हम, पीक्यूआर का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप सोचो, पी का भी निर्देशांक जरूरत है, क्यू का भी निर्देशांक जरूरत है, और आर का भी निर्देशांक जरूरत है ना भाई। आप समझो बात, क्या करोगे, पीक्यूआर का क्षेत्रफल निकालने के लिए P बिंदु का भी निर्देशांक जरूरी है, Q का भी जरूरी है, और R का भी जरूरी है, जरूरी है ना। चलो अब PQR का क्षेत्रफल हमें निकालना है तो उसके रिटर्न मिटाते हैं। चलो अब समझ में आ गया कि सवाल क्या क्या बोल रहा है। अब जो जो सवाल बोल रहा है अब हमें क्या करना होगा, PQR का क्षेत्रफल निकालने के लिए दोस्त P का निर्देशांक, Q का निर्देशांक और R का निर्देशांक पता करना होगा। तो उसके नीचे लिखेंगे P का निर्देशांक और P का निर्देशांक को आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं ना, मध्य बिंदु है, और पता है ना मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो आप समझो P जो है किसके किसके बीच में है, तो P जो हम नाम रखे हैं वो ये और C के बीच में है, है ना। तो जब A और C के बीच में है तो इसका फार्मूला होता है x1 + x2/2 यानी कि 0 + 0/2, y1 + y2 यानी -1 + 3/2। दोस्तों 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, और 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं। आप समझो, अगर आप नहीं जानते हो लाइफ के लिए बात याद रख लो कि 0 ऊपर रहे और नीचे में कोई भी संख्या रहे, करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 1 लाख, -10, कुछ भी रहेगा दोस्तों संख्या, उसका रिजल्ट हमेशा 0 होता है, बिल्कुल याद रखो। देखो कोई भी नई चीजें आए ना आप उसको एकदम बिल्कुल कैच कर लो, पकड़ लो, फिर कभी जा नहीं पाए। अगर दोस्तों ऊपर अगर संख्या रहे और नीचे अगर फिक्स 0 रहे तो इसका वैल्यू अपरिभाषित होता है, अनडिफाइन होता है, इन्फिनिटी होता है, कुछ भी बोल लो आप। किसको अपरिभाषित भी बोला जाता है, अनंत भी बोला जाता है, इन्फिनिटी भी बोला जाता है, ठीक है। तो कंडीशन क्या आया हम लोगों का भी, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, और 0 में 2 से भाग देना है तो यहां पर 0 बन रहा है, और -1 और 3 मिलकर दिमाग में कर लो 2 आएगा, और 2 से 2 से भाग करेंगे 1 आएगा। तो दोस्तों हम लोगों को P का निर्देशांक 0 1 पता चल गया, ठीक है। अब जरा हम लोग Q का निर्देशांक पता कर लेते हैं, Q का निर्देशांक जो कि एक मध्य बिंदु है। हम लोग Q का निर्देशांक पता करने के लिए पहले ये सोचो Q जो बिंदु है किसके किसके बीच बिंदु है, तो A और B के बीच का बिंदु है। तो A और B वाला में हम लोग पढ़े हैं ना कि जिसके बीच निकालना होता है x1 x2, क्योंकि x1 y1 होता है, ये x2 y2 हो गया, या फिर किसी को अभी मान लीजिए यही दोनों से ना आप क्यों निकालेंगे। तो x1 + x2/2, तो 0 में 2 जोड़िए, फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, फिर y1 + y2, तो y1 कितना है, -1, यहां +1/2, क्या होगा, तो 2 में 0 जोड़ेंगे कितना होगा, 2, और 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, और यहां पे देख पा रहे होंगे -1 और 1, तो कितना होगा, 0, और 0 में किसी संख्या से भाग देंगे दोस्तों 0, ठीक है। उसी तरीके से आप चलते चलते R का निर्देशांक आप निकाल लीजिएगा खुद से। हम यहां पे P का निकाल लिए, Q का निकल गया, Q का कितना 1 0। दोस्तों R का भी आप निकालिएगा, तो हम यहां पे निकाल देते हैं, आप इसको थोड़ा सा निकाल के दिखा दीजिएगा तो ज्यादा बेटर होता है। 2 और 0 जोड़िए, x1 x2, तो 2 में 0 जोड़ेंगे 2, और 2 से डिवाइड करना होता है तो 1,
और वाई वन प्लस वाई टू बटा में टू, तो तीन और एक चार, चार में दो से डिवाइड किया दो। दोस्तों इस तरीके से अब हमें पी क्यू आर का निर्देशांक पता चल गया। जब पता चल गया तब आप इसका आंसर तक पहुंच जाएंगे। कैसे अब आंसर करेंगे तो देख लो, अब देख लो भाई आप क्या करेंगे। अब त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, फार्मूला याद है ना, वो ट्रिक, ट्रिक क्या है, आप एक बटा दो लिख लो ब्रैकेट, ठीक है ब्रैकेट, फिर क्या, तो एक्स वन, एक्स वन छोड़ दो अभी, एक्स लिखना ब्रैकेट में वाई माइनस वाई लिख देना। ये चीजें कितनी बार लिखना है भाई, तीन बार लिखना है, एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई। अगर आप ये भूल जाएंगे तब, अगर नहीं तो आपको याद है तो फटाफट डायरेक्टली लिखेंगे एक्स वन ब्रैकेट में वाई टू माइनस वाई थ्री, एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन और एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू, ठीक है आपने ये फॉर्मूला लिख दिया। अब आप समझो कि हम किसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं भाई, पी क्यू आर का ना, तो पी क्यू आर का ही आपको निर्देशांक यहाँ एक्स वन वाई वन ये सब लिखना है। तो इसमें के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो पी क्यू आर के लिए बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, पी क्यू आर के लिए आप रखिएगा एक्स वन के जगह पे जीरो, वाई वन के जगह पे वन, फिर एक्स टू के जगह पे आप रखिएगा वन और वाई टू के जगह पे रखिएगा जीरो। फिर यहां पे हो जाएगा हम लोगों का, ये हो जाएगा एक्स थ्री और ये हो जाएगा वाई थ्री, समझ में आ रहा है। तो हम पी क्यू आर, पी क्यू आर के लिए ही बता रहे, एक्स वन जहां जहां होगा जीरो रखिएगा, वाई वन के जगह पे रख दीजिएगा, फिर एक्स टू वाई टू के जगह पे रख दीजिएगा, एक्स टू के जगह पे वन वाई टू के जगह पे जीरो। इस तरीके से चलते 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 आपका एक आंसर मौजूद हो जाएगा, एक आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जब पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकाल लिए तो दोस्त ऐसा ही अब चलना पड़ेगा, पुनः इस्तेमाल करना पड़ेगा, पुनः अब की बार त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालिएगा। ए बी सी में कौन कौन सा, तो ए बिंदु, बी बिंदु और सी बिंदु। ए बिंदु में आप एक्स वन लीजिएगा जीरो, वाई वन लीजिएगा माइनस वन। अब बी बिंदु पे आते हैं क्योंकि एबीसी के लिए ना काम कर रहे हैं, तो बी टू हो जाएगा एक्स टू, वन हो जाएगा वाई टू, यहां पे जीरो हो जाएगा एक्स थ्री और थ्री हो जाएगा वाई थ्री, ठीक है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल सोच समझकर लगाना है, फॉर्मूला दोस्तों वही रहेगा। अब आप त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल लिएगा, अब की बार एक्स वन के जगह पे कितना रखना है, ये वाला, ए वाला बिंदु का, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया x3 y3। आप इसका इस्तेमाल करके त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा, ठीक है। तो अगर त्रिभुज ABC का भी क्षेत्रफल निकल आ गया तो अब हम लोग अनुपात लिख देंगे। अनुपात कैसे निकालेंगे भाई, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। पी क्यू आर वाला जितना आएगा ऊपर रख दीजिएगा और एबीसी वाला आप जितना निकालिएगा उसको नीचे रख दीजिएगा, ठीक है। और फिर अगर कट रहा होगा तो काट देना है, और काटने के बाद जो बचेगा उसको फिर अनुपात में इधर लिख देना है, वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लोग इस सिचुएशन को ऐसे हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड था। चलिए आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर पे, समझा दिए क्वेश्चन को और आप इसका सॉल्यूशन कीजिएगा कि कितना आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, और हमें अनुपात पूछ रहा है तो अनुपात भी, क्योंकि दोनों का यूज हम लोगों को करना होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसी क्रम में है। अच्छा देखो भाई, चतुर्भुज बोल रहा है, ध्यान से समझो, चतुर्भुज का मतलब चार भुजा, और चतुर्भुज में कितने कोण, चार कोण, और चतुर्भुज का मतलब बहुत सारे लोग समझ जाते हैं इसको आयत। नहीं भाई, आयत का डेफिनेशन है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है और उनके बीच परस्पर 90 डिग्री का कोण होता है,
उसको हम लोग आयत नाम देते हैं। लेकिन दोस्तों चतुर्भुज कैसे भी हो सकता है, देख लो हम ऐसे भी चतुर्भुज बना सकते हैं। ये भी चार भुजा है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और चार भुजा। मेरा मतलब दिस 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 दिस, ये भी एक चतुर्भुज है। देख लो भाई, देख लो चतुर्भुज। तो हम सबको चतुर्भुज बोल सकते हैं, ठीक है। हम आयत नहीं समझेंगे, वर्ग नहीं समझेंगे दोस्तों। चतुर्भुज जो होता है ना, चतुर्भुज का प्रकार होता है। चतुर्भुज में अगर चारों भुजाएं बराबर हो, चारों का 90 डिग्री कोण हो, तब उसको वर्ग कहते हैं। तो उसी तरीके से बहुत सारे चतुर्भुज के प्रकार हैं, आयत, वर्ग, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, बहुत तरह का अलग अलग चतुर्भुज मिलता है। लेकिन हमें दोस्तों यहाँ पे आयत नहीं समझना है, वर्ग नहीं समझना है, हमको सिर्फ चतुर्भुज समझना है। और चतुर्भुज का मतलब आप समझ पा रहे हैं कि चतुर्भुज का मतलब होता है सिर्फ चार भुज और चार कोण, ठीक है। तो चतुर्भुज का मतलब चार भुजा समझना है और चार कोण समझना है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहां पे सवाल क्या बोल रहा है कि कोई भी चतुर्भुज है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। दोस्तों आपको जैसा मन करे चतुर्भुज बना लो, आंख बंद करके चतुर्भुज होना चाहिए बस। हम नहीं बोल रहे कि आप आयत बनाओ, हम नहीं बोल रहे आप वर्ग बनाओ, हम बोल रहे चतुर्भुज। तो चतुर्भुज कैसे भी बना लो। मेरा मन हुआ क्वेश्चन नंबर चार में चतुर्भुज ऐसे बनाने का। ठीक है, हमको मन हुआ चतुर्भुज ऐसे बनाने का। भाई देख लो, चतुर्भुज भी तो कोई कहेगा ना, बिल्कुल कहेगा। और चतुर्भुज का हमें अच्छा लगने के लिए नाम दे देते हैं, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी। अब चतुर्भुज हम बना लिए, अब बोल रहा है कि क्रम में, क्रम का मतलब लगातार लिखना है, जो हमें बिंदु का निर्देशांक दिया है ना वो क्रम में दिया रहता है दोस्तों। तो क्रम का मतलब होता है लगातार, ठीक है। जैसे इसमें दिया है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष इसी क्रम में -4 और -2 है। तो यहां -4 -2 से शुरू करना है, फिर जाना है उसके बाद जस्ट, उसके बाद तुरंत कितना पे, तो -3 -5, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, 3 -2, सी का दिया है 3 -2। फिर क्या बोला, 2 3, डी का वैल्यू दे दिया 2 3, ठीक है, समझ रहे हैं। अब सबका तो वैल्यू दे दिया भाई, अब हमको इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है कि आप इस चतुर्भुज का ना क्षेत्रफल निकालो। अब बहुत लोग तो ये समझ रहे होंगे कि सर आपने ना एक गड़बड़ कर दिया। हम बोले क्या भाई, क्या गड़बड़ किया। तो सर अगर आप ना ऐसे बनाते ना ए बी सी डी आयत की तरह बनाते ना, तो हम लोगों को फायदा बन जाता। वो लड़का क्या दिमाग लगा रहा है पता है, कि सर आप ए बी सी डी अगर आयत ले लेते, आयत ले लेते, तो ए का निर्देशांक दिया, बी का निर्देशांक दिया, सी का दिया, डी का दिया, तो आप लंबाई निकाल लेते, इसके बीच का दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके लंबाई निकाल लेते और बी सी निकाल लेते, चौड़ाई निकल जाता। और आप आयत का क्षेत्रफल लंबाई को गुणा चौड़ाई को गुणा कर देता तो हम लोगों में निकल जाता। भाई मेरे दिमाग तो तुम ठीक लगा रहे, लेकिन यहां तुम ये कैसे समझ गया कि आयत बोला है सवाल में। आयत में अंतर है दोस्त, और चतुर्भुज का मतलब अंतर है। चतुर्भुज इसको भी एक चतुर्भुज बोल सकते हैं। चतुर्भुज का मतलब जितना भी आप आयत भी बना लो, वर्ग बना लो, सम चतुर्भुज बना लो, समलंब चतुर्भुज बना लो, सभी चीजें चतुर्भुज होता है। इसमें सिर्फ चतुर्भुज बोला, आयत नहीं बोला, इसलिए अपना दिमाग नहीं लगाना, आप फंस जाएंगे, ठीक है। चलो तब कैसे निकालेंगे भाई, अब रहा बात की सर तब हमको दिमाग नहीं लग रहा, हम दिमाग लगाते हैं। आपको क्या करना है दोस्तों, यहां पे एक आइडिया देते हैं। और एक आइडिया देखो, मैथमेटिक्स में आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लॉजिकल पे है। आप रट के मैथ को नहीं समझ सकते, या फिर रट के आप मैथमेटिक्स में तेज नहीं बन सकते।
आपको लॉजिकली अपना माइंड लगाना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। देखो दोस्त, ऐसे क्वेश्चन में आप दो चीजें इस्तेमाल कर सकते हो, या तो आप डी से लेकर बी तक के एक रेखा खींच लो। तो जब आप डी से लेकर बी तक के एक रेखा खींचेंगे तो दूगो फिगर बनेगा। इसको जरा अच्छा से फिलहाल के लिए मिला लेते हैं। दूगो चीज मिल रहा है, कौन कौन सा चीज? एक ऊपर का चीज दिख रहा होगा, एक नीचे का चीज दिख रहा होगा। ऊपर का जो चीज दिख रहा है कैसा दिख रहा है? एक त्रिभुज कैसे जैसा दिख रहा है। और नीचे का जो चीज दिख रहा है एक त्रिभुज के जैसा दिख रहा है, दिख रहा है ना? अगर मान लिया इसको नहीं मिलाकर आमने सामने वाला भुजा इसको मिला दिया, फिर भी आपको दुगो त्रिभुज नजर आ रहा है, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये। दोस्तों, हम लोग किसी भी चतुर्भुज का अगर चार निर्देशांक दिया रहेगा, चार बिंदु दिया रहेगा, तो हम उस चतुर्भुज को तिरछा तिरछी मिलाकर अलग अलग त्रिभुज में बांट लेंगे। तो यहां से जब हम लोग इसको तिरछा तिरछी मिलाया तो यहां पे पहला और दूसरा दुगो त्रिभुज बन रहा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे हम लोग एक रचना किया। रचना क्या किया? रचना तो ए और सी को मिलाया, ए और सी को मिलाया। तो जब ए और सी को मिलाया तो दो त्रिभुज बन रहा है, ठीक है? ए और सी को मिलाने पर, ऐसे लिखिएगा, ए और सी को मिलाने पर दो त्रिभुज कौन कौन सा नाम दे दो भाई? ए डी सी। देखो इसको ए डी सी भी लिख सकते हो, ए सी डी भी लिख सकते हो, डी ए सी भी लिख सकते हो, मतलब कुछ भी नाम दे सकते हो इस त्रिभुज का। हम ए सी डी बोल दिए, त्रिभुज ए सी डी तथा त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज क्या मिल रहा है? ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी पाया, ठीक है? अब आप तो, आपके लिए बहुत चीजें ये सिंपल हो गई। अब आपको क्या करना है? पूरा क्षेत्रफल निकालना है, हमें कुल क्षेत्रफल निकालना है। दोस्तों, कुल क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले आप, फर्स्ट आप त्रिभुज ए सी डी निकालो, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल निकाल लो ये वाला, और फिर बाद में ए बी सी निकाल लो, और दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आपका आंसर पूरा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। यानी कि आप ऐसे क्वेश्चन में आप एक रेखा खींचकर तिरछा तिरछी मिलाकर आप दो त्रिभुज बना ले, और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग अलग निकालकर, और कुल क्षेत्रफल का मतलब दोनों को जोड़ देना है। जैसे हम बता देते हैं, आप पहले दो त्रिभुज निकाले, तो त्रिभुज ए सी डी आप क्या बना दो? त्रिभुज ए सी डी बनाओ। तो त्रिभुज ए सी डी कैसे बन रहा है? तो ऐसे है, फिर ऐसे है थोड़ा सा, फिर ऐसे है, है ना? ए सी डी, यहां ए है, यहां सी है, यहां डी है। और ए का निर्देशांक कितना है दोस्तों? तो -4, -2। सी का कितना है? 3, -2, 2 और 3। तो जब आप सोचो कि हम त्रिभुज का तीन गो अगर बिंदु रहता है तो आप इससे त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल नहीं निकाल लेंगे? आपको इसका निकालना है, वही फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा? 1/2 x1(y2 - y3) + x2(y1 - y1) + x3(y1 - y2) और फिर बड़ा ब्रैकेट। तो आप त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, इसका निकल जाएगा, राइट? और फिर इसका निकल जाएगा तो आप फिर क्या कीजिएगा बताते हैं। पुनः फिर दोबारा से चलिएगा, अब की बार ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। कैसे ए बी सी दिख रहा है? ऐसे। इसको थोड़ा सा लंबा खींचना है, फिर इसको थोड़ा सा ऊपर खींचना है, और ये ए है, ये बी है, और ये सी है। ए का निर्देशांक आप दोबारा यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, -4, -2। बी कितना है? -3, -5। सी कितना है? 3, -2, ठीक है? तो यहां पे ए बी सी
हमको पता चल गया। तो जब आपको एबीसी पता चल गया यहां से, तो आप यहां से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, कौनसी का इस्तेमाल करके, फॉर्मूला का इस्तेमाल करके। इस तरीके से दोस्तों आपका त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल अलग कुछ आ जाएगा, एबीसी का अलग आ जाएगा, और कुल क्षेत्रफल नीचे लिखिएगा कि कुल क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, और फिर दोनों को जोड़ देंगे, हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से इन चीजों को कीजिएगा। फिलहाल हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5, और ये है पूरा निर्देशांक ज्यामिति का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, सबसे अंतिम क्वेश्चन 7.2 एक्सरसाइज का। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा है, कक्षा 9th में आपने पढ़ा है अध्याय 9 और उदाहरण 3 की किसी त्रिभुज की एक माध्यिका बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज में विभाजित करती है। उस त्रिभुज एबीसी के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष इतना 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 है। बहुत बढ़िया सवाल है भाई, बहुत बढ़िया है। आपने पढ़ा होगा कब, क्लास 9th में बोल रहा है, उदाहरण नंबर 3 देख लेना। अगर आपके पास एनसीईआरटी का किताब होगा, एनसीईआरटी का बोल रहे हैं, अदर नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी के सवाल में आप पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी के बारे में बोलेगा। तो बोल रहे हैं कि आप 9th क्लास में आप 9वां चैप्टर निकालना, उदाहरण नंबर 3 देखना, 3 नंबर में क्या बताया हुआ है। तो 3 नंबर में हम लोगों को ये बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया गया है भाई, कि अगर कोई त्रिभुज है और उस त्रिभुज का जो माध्यिका होता है उसको दो बराबर त्रिभुजों में विभाजित करता है। ठीक है, तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि आपको हम जरा समझा देते हैं ना कि आप क्लास 9th में क्या पढ़े। तो क्लास 9th में पढ़े कि एक त्रिभुज है, ठीक है, और त्रिभुज का माध्यिका, माध्यिका किसको कहते हैं, तो बिल्कुल उसके शीर्ष बिंदु से लंब डाला जाता है। ठीक है, लंब डाला जाता है 90 डिग्री। ठीक है, लंब डाला जाता है, इसी को दोस्त कहते हैं हम लोग माध्यिका। इसको क्या बोलते हैं, माध्यिका कहते हैं। तो बोला जा रहा है कि जो हम लोगों का माध्यिका आता है पूरा क्षेत्रफल का, अगर हम इसको माध्यिका, माध्यिका माध्यिका मतलब बीचो बीच, ये दोनों रेखा को बीचो बीच विभाजित करता है और इसके शीर्ष से होकर गुजरता है, उसको माध्यिका बोलते हैं। तो आप 9th में पढ़े होंगे कि किसी त्रिभुज का जो माध्यिका होता है ना, वो दो, इससे बनने वाला जो दो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये दोनों क्षेत्रफल जो है बराबर होता है। उसी चीज को यहां पे आपको प्रूफ करना है, समझ रहे हैं। अब चलिए, उस चीज को आपको अगर प्रूफ करना है तो हमें यहां पे कुछ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है देखते हैं। तो यहां पे हमें दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है, आप चाहें तो इसका नाम दे सकते हैं, जैसे मान लिया ए बी सी, और यहां पे हम एक माध्यिका ड्रॉ कर लिया बीचो बीच, इसका नाम दे दिया हम लोग पी। यहां हम लिख सकते हैं कि यहां एपी, एपी त्रिभुज ए बी सी का माध्यिका है। क्या है भाई, माध्यिका है। जब ए, एपी जो है ए बी सी का माध्यिका है, इसका मतलब ये हुआ, अतः अतः बिंदु पी जो है, बिंदु पी कॉमा सी बी चाहे बी सी का मध्य बिंदु है। बिल्कुल, आप समझो, लॉजिक को समझो तभी काम चलेगा भाई। हम क्या बोले कि एपी जो है ना माध्यिका है, किसका माध्यिका है, त्रिभुज एबीसी का, एबीसी का, इसका मतलब ये हुआ कि इसको बीचों बीच बांट रहा है ना, तो बीचों बीच का मतलब हम बिंदु पी के बारे में बोल सकते हैं कि सीबी का क्या है, मध्य बिंदु है, बीसी का मध्य बिंदु है। तो हम लोग यहां पे पता चला कि बिंदु पी जो है वो बीसी का मध्य बिंदु है।
चलो यहां तक क्लियर है। उसके बाद हमें कुछ शीर्ष का भी निर्देशांक दिया है, जरा देख लेते हैं। ए का दिया है 4 - 6, 4, -6। फिर दिया है बी में दोस्तों 3, -2, तो 3, -2। और सी का बात करें तो 5, 2। सी में कितना दिया है? 5, 2। अब हमें यहां पे क्या सिद्ध करना है वो जरा समझो। अब यहां पे लिखना, हमें सिद्ध करना है या दिखाना है, ठीक है, हमें सिद्ध करना है या प्रमाणित करना है, जो भी लिख सकते हो आप। हमें सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए सी पी का क्षेत्रफल, मतलब ये वाला क्षेत्रफल देख रहे हो जो ब्लू लाइंस किए हैं, ए पी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ए पी सी का क्षेत्रफल बराबर दूसरे वाला का क्षेत्रफल, यानी दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला ए बी पी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी पी का क्षेत्रफल, ठीक है। हम लोगों को ये दोनों का क्षेत्रफल क्या करना है, बराबर दिखाना है। दोस्तों सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप यहां पे उसके नीचे पी का निर्देशांक निकालिए, पी का निर्देशांक निकालिएगा। पी का निर्देशांक, पी क्या है, एक मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, तो एक्स वन एक्स टू को जोड़ते हैं, तो 5 और 3 8, 8 में 2 से भागा कीजिएगा 4, और 2 और -2 को ऐड करेंगे तो 0, और उसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 0। आप यहां पे अच्छा से लिख दीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 4, 0। तो जब दोस्तों 4, 0 मिल गया तो आप पहले ए सी पी निकालिएगा इस त्रिभुज में, आप मतलब कि अलग अलग निकालिएगा, ए सी पी से चलकर आप ए सी पी में भी तो आपको 3 बिंदु है त्रिभुज में, तो आप वही फार्मूला लगाइएगा, फिर आप अलग से फिर से ए बी पी लगाइएगा और इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल आप पाएंगे। दोस्तों आप सबसे पहले अलग अलग निकालिएगा त्रिभुज ए सी पी, तो ए सी पी कैसा है, तो ऐसा है, अरे ऐसा ही ना है, ए सी पी, यहां ए है, यहां सी है, यहां पी है। आप इसका निर्देशांक लिख लीजिएगा और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा, फिर आप वैसा ही ए बी पी निकालिएगा, तो दोनों का क्षेत्रफल जो है आपको बराबर आएगा, ठीक है। तो अब जब बराबर आ जाएगा तो लिखिएगा यहां, यहां त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी पी का क्षेत्रफल प्रूव्ड, यही प्रूव्ड कर देना है और आपको एकदम पक्का आएगा। देखो कहीं भी सवाल ना अगर प्रूफ करने के लिए बोलता है वो सवाल एकदम डेफिनेटली पक्का आता है हम लोगों का, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज हम लोगों का चैप्टर ये खत्म हो गया है जिसका नाम था निर्देशांक ज्यामिति। आपको पूरी तरीके से मेहनत करना है आज के क्लास में, क्योंकि हम आपको सिर्फ समझाए हैं, एक का भी पूरी तरीके से बनाया नहीं है, तो आप पूरा का पूरा सॉल्यूशन कीजिएगा। तो यहां पे हमें प्रूफ कर देना है, तो आप दोनों का अलग अलग निकालेंगे ना तो ऑटोमेटिक बराबर आ जाएगा, और बराबर नहीं आ रहा है तो फिर आपका गलत है यार, सिंपल, क्योंकि हमको बराबर ही लाना है, बराबर ही प्रूफ करना है, और आएगा तो बराबर आएगा, ठीक है। तो आप बराबर लाना इसको फिर, और आज की क्लास को हम लोग आज डन करते हैं, और फिर अगली क्लास में एक नए चैप्टर को शुरुआत करेंगे, एक अच्छे चैप्टर को चुनकर, ताकि लोगों को समझ में आए इस ऑनलाइन क्लास में भी, क्योंकि देख लो भाई हम सभी बात को यहाँ पे फॉलो करते हैं और सब बात को आपके सामने रखते हैं, ऐसा नहीं है। मान लिया कि अच्छे हार्ड वाले चैप्टर्स जो भी है उसको पढ़ा दिया ऑनलाइन में, तो फिर बहुत सारे हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है, इसलिए हमको उसी चैप्टर को भी डील करना है ताकि ऑनलाइन क्लास में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं हो, ऐसे चैप्टर को हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो आज के क्लास को हम लोग एंड करते हैं और अगले क्लास में हम लोग एक न्यू चैप्टर के साथ आपके साथ मिलते हैं, जुड़ते हैं। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।